हेलो दोस्तों, ड्रीम्स वैली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एमपी बोर्ड के 10th और 12th के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, जो कि दोपहर 12:30 बजे अनाउंस किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं आप अपने 10th और 12th के रिजल्ट्स कैसे देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपने गूगल ब्राउजर पे mpbse.mponline को सर्च कर लेना है। पहली वेबसाइट पे चले जाना है। कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे होम पे टैप करना है। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन इनरोलमेंट फॉर्म्स पे टैप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू रिजल्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्यू रिजल्ट पे आपको टिक करना है, टैप करना है। जैसे ही आप व्यू रिजल्ट पे टैप करेंगे, आप कुछ इस तरह के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी अपना रिजल्ट देखने के लिए। रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपना एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा। तो एप्लीकेशन नंबर जानने के लिए आप अपने फॉर्म पे चेक करिए, एडमिट कार्ड पे चेक करिए, जो फॉर्म नंबर दिया हुआ है ना, फॉर्म नंबर ही आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो आपको अपने एप्लीकेशन नंबर की जगह पे फॉर्म नंबर एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं।